हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैश किचन। आज हम बनाएंगे कद्दू की सब्जी। ये बनाने में बहुत ही इजी और खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कैश किचन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कद्दू की चटपटी सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए कद्दू आधा किलो। इसका बाहर का छिलका निकाल कर इसे धो लें और क्यूब्स में काट लें। यहाँ पर मैंने पीले रंग का कद्दू यूज किया है, आप इसकी जगह सफेद कद्दू भी यूज कर सकते हैं। क्रश किया हुआ सौंफ आधा टीस्पून, क्रश करने से सौंफ का टेस्ट और भी अच्छा आता है। मेथी दाना 1/4 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, धनिया पाउडर आधा टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, अमचूर पाउडर 1/4 टीस्पून, सरसों का तेल या कोई भी रिफाइंड ऑयल 2 टेबलस्पून। सबसे पहले कढ़ाई में तेल अच्छे से गरम कर लें। और गैस का फ्लेम स्लो कर दें। अब इसमें मेथी दाना, और सौंफ ऐड करें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें कद्दू डालें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे 2 मिनट तक ढक्कन लगाकर कवर कर दें। 2 मिनट बाद उसका ढक्कन हटाकर उसे स्टर करें। अब इसमें नमक लाल मिर्च धनिया पाउडर हल्दी पाउडर और अमचूर पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। और इसको वापस 1 मिनट के लिए कवर कर दें। अब 1 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाकर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। फिर वापस से 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दें। 2 से 3 मिनट बाद वापस से ढक्कन हटाएं, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें से आप कुछ कद्दू का पीस मैश कर लें, आप चाहें तो पूरा भी मैश कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। लीजिए, कद्दू की सब्जी तैयार है। इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लें। इसे गर्मा गर्म पूरी, रोटी, परांठा और रायते के साथ सर्व करें और एंजॉय करें।